सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सोने को स्त्री धन कहा गया है, बाकी सारी चीज़ें खर्च होती है लेकिन सोने को धन कहा गया है क्योंकि वो आड़े वक्त में काम आता है, लेकिन जरूरी है कि वो धन के रूप में रहे। और इसके लिए कोई भी ग्राहक अगर जेवर खरीदारी कहीं से भी कर रहा हो, अगर थोड़ी सी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर वो ध्यान में रखता है तो वो कभी भी ठगा नहीं जाएगा और उसका सोना उसके पास धन के ही रूप में रहेगा। जिस तरह सबसे पहले ग्राहक को हॉलमार्क सामान लेना चाहिए, हॉलमार्क सामान में भी उसको अच्छे शोरूम पे जिसकी रेपुटेशन हो वहाँ जाना चाहिए, उससे उसका अधिकार है कि वो उस दुकानदार से उसका हॉलमार्किंग लाइसेंस दिखाने की कॉपी मांग सकता है। ग्राहक का यह भी अधिकार है कि वो ग्राहक वो दुकानदार को कह सकता है कि वो जो आभूषण खरीद रहा है उसकी शुद्धता कैरेट मीटर पर उसको जांच करा दे। तीसरा, उसको वज़न भी वेरीफाई करने का अधिकार है। इसके अलावा उसको स्पष्ट रूप से पूछ लेना चाहिए कि जो वो सामान खरीद रहा है वो कितने कैरेट का है और उस कैरेट का कितना रेट है। उसके साथ में हर सामान का बनाने का वेस्टेज अलग से होता है, तो किस सामान पे क्या वेस्टेज है वो डिज़ाइन और उसके ऊपर किए गए कला के हिसाब से होता है। तो उसको इन सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से ग्राहक को कैश ऑन लेना चाहिए, जिसके ऊपर बायबैक पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी सब कुछ स्पष्ट हिंदी में लिखी, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए जो ग्राहक को स्पष्ट रूप से समझ में आए। बाज़ार में तमाम तरह के लोग स्कीम्स देते हैं, प्रलोभन देते हैं, जहां 15-15% 20-20% वैल्यू के गिफ्ट दे देते हैं। तो ग्राहक को स्वयं सोचना चाहिए कि जिस सामान की एक्सचेंज में मात्र 10% वेस्टेज लगा हुआ है उसमें कोई 20% वैल्यू का गिफ्ट कैसे दे रहा है। तो ग्राहक को कैलकुलेटिव होना चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि स्कीम कहीं फंसाने की तो नहीं है, स्कीम कहीं ठगने की तो नहीं है। तो ग्राहक को अपनी चीज़ों को जांच के परख के पक्के कैशमो के साथ लेना चाहिए, रिटर्न बाय बैक गारंटी के साथ।